वाह छोटे सुबेदार जी, आज तो अपने कमाल की फुर्ती दिखाए। छोटे सुबेदार जी लीजिए। नहीं नहीं मजे, बात दरअसल ये है कि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन ये तो इस गुट्टी की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि इस गुट्टी का कोई अतिरिक्त दुष्परिणाम नहीं है। भले ही ना हो, लेकिन इसमें क्या पता कोई ऐसे तत्व हो जो हमारे या हमारे शरीर के लिए अनुकूल ना हो, इसलिए हमने आज सुबह ही राज वैद्य जी को बुलवाया है। वो हमारे साथ साथ इस गुट्टी का भी निरीक्षण परीक्षण कर लेंगे, और अगर उन्होंने कहा कि ये सही है तो हम इसका सेवन फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन छोटे सुबेदार जी, मैंने कहा ना कि इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, तो क्या दिक्कत है? शंका का समाधान हो जाए तो अच्छा ही है ना नीमा जी? लीजिए छोटे सुबेदार जी। आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने काबिल हैं, लेकिन अहिल्या ने आपको भी गलत साबित कर दिया। भले ही आप दोनों के बीच हार जीत का मामला ना हो, लेकिन जब उसकी जीत होती है तो आप हमेशा खुश होते हैं, ये मैं जानती हूँ। लेकिन आज अपनी जीत पर अहिल्या बहुत खुश थी। बुरा मत मानेगा, लेकिन हार तो गए हैं आप। वो आपकी छोटी बहन की तरह है ना, उससे हारने का तो आनंद ही कुछ और होगा। केवल मुझसे जीतने के लिए अहिल्या ने इतना सब कुछ किया? कमाल की नीति बनाती हैं छोटी रानी। वैसे इस बार क्या किया उसने? विश्वास देवी आई पर और खुद पे। छोटी रानी को विश्वास था कि वो संदूक मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ कि संदूक मिल गया। अब समझे आप क्यों मैं अपनी सहेली पे इतना गुमान करती हूँ? हाँ तो फिर करो गुमान, लेकिन मैं इसे अपने पति के सामने तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सहेली अहिल्या का गुमान पेश करूंगी। कहूंगी कि खुश थी, लेकिन समझ में आएगा कि अपनी जीत पर गुमान कर रही थी। रानी साहब देखिए ना, मैं नहीं चाहती कि भाई बहन में किसी भी तरह का तनाव या मनमुटाव हो। मनमुटाव? तुम क्या कहना चाह रही हो रखमा? ये तो बस एक ही बात को मन से लगा के बैठ गए कि अहिल्या ने इन्हें शिकस्त दे दी है, इनकी नहीं सुनी। देखिए ना, मैं नहीं चाहती कि भाई बहन के बीच दरबार के किसी भी मामले को लेकर कोई तनाव पैदा हो। अब दोनों ही मेरे प्रिय हैं। तुम चिंता मत करो रखमा, हम खुद तुको जी से बात करेंगे। राज वैद्य जी बारे में? राज वैद्य जी, जय शिव शंभु। जय शिव शंभु। क्या वो आप यहाँ वाड़े में सब कुशल मंगल है ना? माफ करना गुरु जी सरदार, जरा जल्दी में हूँ, छोटे सुबेदार जी का इलाज करना है। जी
खंडेराव, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अचानक राजवैद्य क्यों? कोई चिंता वाली बात नहीं, सब ठीक है। कोई और दवा तो नहीं ली थी? कोई दवा? मुहिम से लौटने के बाद एक अंदरूनी चोट के लिए छोटे सुबेदार जी दवा ले रहे थे। कौन सी दवा ले रहे थे? कौन दे रहा था? वो दरअसल जी, हम नीमा जी पहलवान से एक गुट्टी ले रहे थे। दिखाइए, कौन सी दवा दे रहे थे? दिखाइए नीमा जी, जो गुट्टी हमें आप दे रहे थे वो राजवैद्य जी को दिखाइए। ये लीजिए। वैसे आपने क्या क्या मिलाया है इसमें? इसमें अदरक का सुरस, पपीते का पत्ता, अर्जुन की छाल, सफेदा और कमलगट्ठे का सुरस भी है। दवाई तो बिल्कुल सटीक है, अत्यंत लाभदायी है। इस गुट्टी में कुछ ऐसी विशेष, अद्भुत और दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो छोटे सुबेदार जी की सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। छोटे सुबेदार जी, इस गुट्टी से कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल शक्तिवर्धक जड़ी बूटियां हैं और इसके कारण आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैजी, आप संतुष्ट हैं ना? जी छोटी रानी साहब। तो फिर हमें एक बात बताइए वैजी, हमें जो तकलीफ महसूस हो रही है उसका क्या कारण है? आपको जो तकलीफ महसूस हो रही है इसका कारण कदाचित रक्तचाप का दबाव है। मैं मात्राएं दे देता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा, परंतु पहले आप चल के कक्ष में आराम कीजिए। मैं आता हूं। धन्यवाद। खंडेराव, हम शिव शंभू के मंदिर से होकर आते, उनका धन्यवाद करके आते कि तुम सुरक्षित हो। नेवा जी, ये चमत्कार कैसे किया आपने? सुबह जब वो सेवक राजवैद्य को बुलाने के लिए जा रहा था तभी मेरी उससे मुलाकात हुई थी। तभी मैं जान गया था कि आज गुट्टी का निरीक्षण हो सकता है। वाह, क्या बात है! ये वो गुट्टी थी जिससे पहले गुट्टी का असर अभी तक खत्म हो जाएगा। अगर मैं वार जानता हूं तो वार का तोड़ भी जानता हूं। लेकिन एक बात बताएं मुझे निवाजी, जब राजवैद्य आपकी गुट्टी का निरीक्षण कर रहे थे
तो उन्हें कुछ मिला क्यों नहीं? उसमें कुछ गड़बड़ होगी, तभी तो कुछ मिलेगा ना। राजवैद्य ने जिस गुट्टी का निरीक्षण किया था वो शुद्ध आयुर्वेदिक थी। मैंने उसमें नशे की दवाई नहीं मिलाई थी। गुनो जी, द्वारका रानी साहब ने आपको बुलाया है। नेमा जी, आप जाइए, हम जल्दी मिलते हैं। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। छोटे सुबेदार जी, मैं आधिकारिक तौर पे दरबार को सूचना देना चाहती हूँ कि पिछली बार लखन सिंह ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे वो दस्तावेज नकली थे। अधिकारियों को बहकाने के लिए विशेष रूप से ये बनाए गए थे। नहीं नहीं छोटे सूबेदार जी, यह सब झूठ है, सब झूठ है। एक और बात छोटे सूबेदार जी, पिछली बार जिन लोगों ने लखन सिंह के पक्ष में गवाही दी थी वो गवाही स्वेच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में दी थी, और अब इसका सबूत और गवाह दोनों है मेरे पास। ये दुष्यंत भावजी है, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 24 घंटे मजदूर बनके लखन सिंह के खेत और गोदाम में काम किया है। लखन सिंह जो मजदूरों के साथ अन्याय करता है ये उसके प्रत्यक्ष साक्षी है। दुष्यंत, क्या ये बात सच है? जी हाँ, लखन सिंह उनके अधीन काम कर रहे लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया करते थे। मैंने ये सारी खबर छोटी रानी को दी। छोटी रानी ने भी एक अभूतपूर्व प्रयास किया, बिना किसी सैनिक के, बिना किसी हथियार के और बिना किसी डर के, एक जाबाज सिपाही की तरह वो लखन सिंह के घर में गई और वहां पर रखे संदूक से असली दस्तावेज लाने में सफल रही। लखन सिंह जी, जी छोटी रानी, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसके सही सही जवाब देना। जी छोटी रानी। सत्वा जी ने आपसे कितना कर्जा लिया था? 50 मोहरे, उसमें से 24 वापस आने बाकी हैं अभी। ये सफेद झूठ है लखन सिंह। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये कर्जा लिया था, है ना? जी छोटी रानी। हर महीने सूद सहित 2 मुहर का परतवा भी हुआ है, बराबर? इसका मतलब पिछले साल ही ये कर्जा चुका दिया गया था और वो भी सूद सहित। फिर ये कर्जा बाकी कैसे रह सकता है? और एक बात, वैसे प्रति महीने आपने क्या ब्याज लगाया था लखन सिंह? क्योंकि इस दस्तावेज में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। वो सब वो जबानी ही चलता है, भरोसे पे। सालों से यही रीत चली आ रही है और इसी रीत का आप जैसे लोग गलत फायदा उठाते हैं। छोटे सुबेदार जी, ये आप ही देखिए।
सभी मजदूरों के साथ यही होता है और हुआ है। कर्जा लिया गया, बस बस इतना ही लिखा होता है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब लेने वाला भरोसा रखे और देने वाला इसका फायदा उठाए, ये कहां का न्याय है? लखन सिंह और इसके जैसे कई साहूकार यही करते आए हैं और इसमें न जाने कितनों के घर उजड़े हैं, कितनों की जान चली गई है। सत्वा जी भी उनमें से ही एक थे। अब मैं फिर से उन लोगों को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने पिछली बार लखन सिंह के पक्ष में गवाही दी थी। देखिए, लखन सिंह के करतूतों के सबूत मुझे मिल गए हैं और इस दरबार तक भी पहुंच गए हैं। मैं मालवा के दरबार की ओर से आप सबको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ सच बोल सकते हैं और उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपको लखन सिंह से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा वचन है आपसे कि आपको कुछ नहीं होगा। हम सब आपके साथ है, इसलिए सच बताइए। ये लखन सिंह सतमा जी का हत्यारा है, छोटे सुबेदार जी। अगर हम इसके खिलाफ गवाही देते तो हमें भी ये मौत के घाट उतार देगा। मैं मर जाऊं ये हो सकता है, पर परिवार को मरते नहीं देख सकता। एक बेर हम इंसान को रहम आ सकता है, मगर इस इंसान को नहीं। अब क्या होगा हम लोगों का और मेरे परिवार का? कुछ नहीं होगा आपको, मालवा के आश्वासन मूल्य पूरा मिलता है। छोटे सुबेदार जी, इससे साबित होता है कि सत्वा जी की मौत सिर्फ मौत नहीं थी, वो तो हत्या थी, एक जघन्य हत्या। पर उसकी सजा लखन सिंह को जरूर मिलनी चाहिए। जरूर मिलेगी। केवल दरबार से मिली सजा काफी नहीं है। हमारे मजदूर भाई बहन ये भूमि पुत्र हैं, ये धरती के सच्ची संतान हैं। और उनके साथ अन्याय करने वालों को भूमि पर बैठकर नाक रगड़कर उनसे माफी मांगनी ही होगी। और उसके बाद एक वर्ष के लिए इन्हें कारागार भेजा जाएगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.